गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की स्टडी की थी, पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बेटा, अपना जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। बेटा, अपने पास यहाँ पे पॉलीमर्स को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। बेटा, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है और उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं। तो बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को। बेटा, इसमें क्या है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो हैं, जनरली एडिशन पॉलीमराइजेशन अक्कर्स इन दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन डबल बॉन्ड। ये पहली बात तो उन मॉलिक्यूल्स में होती है बेटा जिनमें क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है। दूसरा है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स ऑफ द ग्रोथ चेन बाय चेन मैकेनिज्म। इसमें जो बेटा मोनोमर यूनिट्स का एडिशन होता है आपकी ग्रोथ चेन में, वो चेन मैकेनिज्म से होता है बेटा। उसी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट्स लाइक फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन एंड कार्बोनायन। ये फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बोनायन को हम लोगों ने 11th की ऑर्गेनिक में पढ़ा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा ये। तो इसमें भी आपकी जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें आपके फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और कार्बोनायन की फॉर्मेशन होती है। बेटा, अपने पास यहाँ पे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के तीन डिफरेंट मेथड हैं। पहला है बेटा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और तीसरा है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये बेटा अपने पास चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोसीड कराने के। हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले है बेटा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है बेटा, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है बेटा एंड अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड। हमने जो 11th क्लास में पॉलीथीन का जो मैकेनिज्म पढ़ा था वो आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का ही एग्जाम्पल है बेटा। इसने क्या कहा है यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है और हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनिक परोक्साइड की स्मॉल अमाउंट लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है। और आपको ध्यान होगा 11th में हमने कौन सा लिया था, बेंजोइल परोक्साइड लिया था, विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड। आगे देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल में इट प्रोसीड्स इन थ्री स्टेप्स। आपकी जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वो तीन स्टेप में प्रोसीड होती है। आपको पता होगा वो स्टेप कौन कौन से हैं बेटा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले चेन को हम लोग इनिशिएट करेंगे, फिर उसको प्रोपेगेट कराएंगे और लास्ट स्टेप में हम लोग चेन को क्या करेंगे बेटा, टर्मिनेट करेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले चेन इनिशिएशन कैसे बेटा, कोई भी हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक परोक्साइड लिया। परोक्साइड क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए उसी को परोक्साइड बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमने इस ऑर्गेनिक परोक्साइड का क्या कराया, होमोलाइसिस कराया। होमोलाइसिस आपने पढ़ा होगा बेटा, होमोलाइसिस क्या होता है कि जब हम लोग जब बॉन्ड का बेटा फ्यूजन कराएंगे तो आपके जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आरओ और आरओ दो फ्री रेडिकल्स बन गए जो कि क्या है आपकी एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स हैं, है ना बेटा। फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या हो गए, इनिशिएट हो गए हैं। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, चेन इनिशिएशन। उसके बाद बेटा ये फ्री रेडिकल प्रोपेगेट करके जाएंगे और किसके ऊपर अटैक करेंगे, इथीन के ऊपर अटैक करेंगे। हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, पॉलीथीन बना रहे हैं। तो ये प्रोपेगेट करके इथीन के ऊपर अटैक करेंगे। अब अगर आपका पहले स्टेप में बेटा होमोलाइसिस हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में भी कौन सा फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन ही होगा बेटा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और आपका जो आरओ फ्री रेडिकल था वो एक कार्बन से आके अटैच हो जाएगा। ये हो गया बेटा आरओ CH2 फ्री रेडिकल। अब ये वाला जो एंड है इस चेन का, ये कौन सा एंड बोला जाता है बेटा, दिस इज द एक्टिव एंड, है ना। ये एक्टिव एंड बच गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आगे आपका प्रोसीड प्रोपगेट होके जाएगा बेटा आरओ CH2 फ्री रेडिकल। और आपके जितने भी आपको आपके एल्कीन्स के मॉलिक्यूल लेके आने हैं, मैंने यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स लिए हैं बेटा, वो लेके आओ और उनको यहाँ पे आप लाके जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे तो एक एंड आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा बेटा, एक्टिव एंड मिलेगा।
है ना। तो बेटा नेक्स्ट, इस एक्टिवेंट को अगर मुझे इनएक्टिव करना है या रिएक्शन को रोकना है तो कौन सा स्टेप का रिक्वायरमेंट होगा? चेन टर्मिनेशन, जिसमें क्या होगा बेटा, द लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल्स मे आइदर कंबाइन बाय कपलिंग और बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है चेन को टर्मिनेट हम बेटा दो तरीके से करा सकते हैं, या तो कपलिंग कराएं है ना, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएं। कैसे बेटा? सबसे पहले कपलिंग करा के देखते हैं। कपलिंग में क्या होगा कि जैसे आपका ये मॉलिक्यूल बना था है ना, ये जो फ्री रेडिकल बना था, ऐसे ही दूसरा एक सेम मॉलिक्यूल आए और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा मॉलिक्यूल जब हम लोग लेके आएंगे ऐसा ही, तो उसके भी एक कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और मेरी ये चेन बन जाएगी, चेन आपकी टर्मिनेट हो गई। तो ये था सिंपल कपलिंग, मतलब जोड़े जोड़े से आएंगे हम उनको कंबाइन कर देंगे है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन देखो बेटा क्या है इसमें, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे करेंगे? इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फ्रॉम द अदर विच इज कन्वर्टेड टू एन एल्कीन। इसने कहा बेटा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, एक तो ये बन गया, एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ही हम और बनाएंगे। अब ये कह रहा है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल से हम एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकालें। सपोज अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मीन्स एच फ्री रेडिकल निकालता हूं, ये एच फ्री रेडिकल निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बचेगा बेटा, और ये एच फ्री रेडिकल इस सी एच टू फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके सी एच थ्री बना लेगा बेटा। सी एच थ्री बन गया, ये एक सिंपल चेन टर्मिनेट हो गई आपका एल्केन बना के। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे सी एच टू फ्री रेडिकल और यहाँ पे सी एच फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि सिंगल पहले से ही था, एक बॉन्ड और बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, आपकी एक एल्कीन बन जाएगी। तो ध्यान रखना, जब चेन टर्मिनेशन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन से होता है तो हमेशा आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, एल्कीन मिलेगा। कपलिंग अगर होता है तो जनरली वो कंबाइन हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कई बार आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई एडिशन ऑफ बेंजोक्विनोन स्टॉप्स द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसको बेंजोक्विनोन कई बार क्यों रोक देता है? तो बेटा देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल होगा जो हमारा हमारा यहाँ पे बना हुआ था इस स्टेप में, हमने जैसे ही इसमें बेंजोक्विनोन डालेंगे, बेंजोक्विनोन इसके साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना लेगा बेटा, एक अलग से अपना एक फ्री रेडिकल बना लेगा जो कि काफी क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके स्टेबल होने की वजह क्या है बेटा, इसने बनाया कैसे फ्री रेडिकल, आप ये देख सकते हो कि यहां से ये बॉन्ड टूटा और ये ओ के साथ आर कनेक्ट हो गया है ना बेटा, और यहां पे नीचे ओ फ्री रेडिकल बच गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया मतलब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बेंजोक्विनोन को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके एक ऐसा फ्री रेडिकल बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो आपकी जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, मैकेनिज्म को स्टॉप कर देता है बेटा। उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड टाइप पढ़ते हैं बेटा, दैट इज कैटाइनिक पोलीमराइजेशन। कैटाइनिक पोलीमराइजेशन की कुछ प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास यहाँ पे। पहली है, नॉर्मली अकर्स इन एसिडिक मीडियम। कैटाइनिक पोलीमराइजेशन नॉर्मली एसिडिक मीडियम में अकर होगा बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन एसिड्स सच एज H2SO4, या तो प्रोटोन एसिड की प्रेजेंस होगी बेटा, प्रोटोन एसिड्स जो क्या रिलीज करते हैं आपके, एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और लेविस एसिड्स लाइक AlCl3 BF3 एटसेट्रा है ना। ये कह रहा है कि आपका ये एसिडिक मीडियम में होगा, आपका एसिड आपका प्रोटोनिक एसिड भी हो सकता है बेटा, या फिर लेविस एसिड भी हो सकता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट है, मोनोमर्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। वो मोनोमर आपकी जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं पार्टिसिपेट इन कैटाइनिक पोलीमराइजेशन, वही किस में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, कैटाइनिक पोलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कैटाइनिक पोलीमराइजेशन का। हम क्या कर रहे हैं, आइसोब्यूटाइलिन से बेटा पोली आइसोब्यूटाइलिन बनाएंगे है ना। आइसोब्यूटाइलिन मैंने क्या लिया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन मुझे एसिडिक मीडियम में करानी है, एच पॉजिटिव मैंने ले लिया। अब ये कह रहा है कि एच पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा बेटा और क्या बना लेगा आपका, इस कार्बन पे आपका ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना लेगा है ना। ये बेसिक से मैकेनिज्म है, 11th में मैंने आपको कराए थे अगर आपको ध्यान हो तो। अब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है ये फिर एक आइसोब्यूटाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा। अब ये एक्टिव हो गया है, आइसोब्यूटाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव साइड इस पॉजिटिव से अटैच हो जाएगी और पॉजिटिव साइड आपके फिर से एक एक्टिव साइट बन के आगे काम करेगी। अब ये कह रहा है कि बार बार अगर मैं इनको रिपीट कराऊं, जैसे मैंने यहाँ पे एक आइसोब्यूटाइलिन ऐड किया, अगर मैं इस स्टेप का रिपीटेशन कराता हूं तो बेटा आपके ऐसे बहुत सारे, आप कितने भी, मैंने यहाँ पे एन
नंबर जोड़े हैं, आप कितने भी आपके आइसोब्यूटाइलिन के नंबर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये प्रोपगेशन चल रहा है, मुझे अब इसको रोकना है, टर्मिनेट करना है इस रिएक्शन को। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था उसके यहाँ पे साइड वाले कार्बन से हम लोग एक एच को बाहर निकाल लेंगे, एच पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने एच पॉजिटिव यहाँ पे यूज भी किया था, है ना। तो हमें ये वापस भी देना है बेटा मैकेनिज्म में। तो हम जो यहाँ से एच पॉजिटिव निकालेंगे तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब एक कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे बेटा, एक यहाँ पे देखो दिखा रखा है मैंने, डबल बॉन्ड बना लेंगे। एच पॉजिटिव मैंने बाहर निकाल दिया, ये बन गया आपका पॉली आइसो ब्यूटाइलिन। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बना, ये क्या था, कार्बो कैटायन था बेटा, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैटायनिक पोलीमराइजेशन, है ना। तो हमने दो टाइप की पढ़ ली है बेटा अभी, कौन कौन सी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट है बेटा अपने पास एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये क्या होती है, द एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज नोटिस्ड इन एल्कीन मोलिक्यूल्स हैविंग सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन देम, है ना। ये उस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगी बेटा जिसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, सच एज फिनाइल क्लोराइड नाइट्राइल एटसेट्रा। ये कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, है ना बेटा। कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्टेबल बेस, ये बेसिक मीडियम में प्रोसीड होती है, सच एज सोडामाइड एन ब्यूटाइल लिथियम एटसेट्रा। मैंने यहाँ पे दो आपके स्टेबल बेसिस दिए हैं जिनके प्रेजेंस में हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं बेटा, दैट इज पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके क्या आते हैं बेटा, आपके घरों में जो पाइप लगे होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, आपने देखा हो तो, पीवीसी पाइप, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं। विनाइल किसको बोलते हैं बेटा, जब आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ हो उसी को हम लोग विनाइल बोलते हैं, और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर कोई आपका ग्रुप लगा हुआ हो उसको हम एलाइल बोलते हैं, ध्यान रखना उसको क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल, है ना। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है इसीलिए हम इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और जब इसकी पॉलीमराइजेशन हम लोग कराते हैं तो बहुत सारी यूनिट लाके इसमें जोड़ देते हैं सेम, तो बहुत सारी के नाम का पॉली आ जाता है और इसका फुल फॉर्म बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे बेस लिया, विनाइल क्लोराइड लिया, आपस में रिएक्ट कराए, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव गया बेटा, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था उधर उस कार्बन पे हमने नेगेटिव भेज दिया है, एक पॉजिटिव और इसके साथ आपका बेस कनेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं बाद में ये आपका एक एक्टिव साइट बन गई है, अब ये आगे जाके फर्दर अटैक करेगा, हमने और विनाइल क्लोराइड्स लिए और इनको आपस में ऐसे करके जोड़ दिया, है ना। अब ये वाली जो चेन बनी है इसका जब मैं बार बार रिपीटिशन कराऊंगा बेटा तो क्या बन जाएगा, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन पे चार्ज आया वो कौन सा आया बेटा, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया मतलब एनायन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इससे पहले वाली पॉलीमराइजेशन कौन सी थी बेटा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन थी। तो ये बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन और वी कैन से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के तीन हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब बेटा दूसरा मेथड है पॉलीमर्स को सिंथेसिस करने का बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है बेटा, द पॉलीमर इज फॉर्म्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। इसमें आपका जो पॉलीमर होगा बेटा वो एक स्टेप वाइज मैनर में फॉर्म होता है, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। मैंने इसका एक बेसिक सा सिंपल सा मैकेनिज्म लिया है ताकि इजिली आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कंडेंसेशन है तो दो मोनोमर यूनिट्स होंगे बेटा, दो मोनोमर यूनिट मैंने लिया आपके यहाँ पे, है ना, ए और बी, इनको कंडेंस कराया और क्या बना दिया, ए बी बना दिया। अब मैंने क्या किया, ये मेरा पहला स्टेप था, स्टेप वाइज मैनर में चलेगी बेटा ये। दूसरे स्टेप में मैंने इस ए बी को फर्दर ए के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना दिया, ए बी ए बना दिया, ये मेरा स्टेप सेकंड था। अब इस ए बी ए को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया बेटा, बी के साथ रिएक्ट कराया और ए बी बना दिया, ये मेरा स्टेप थर्ड था। ऐसे हम स्टेप्स को आगे इंक्रीज करते 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 क्या करेंगे, एक बहुत सारे यूनिट्स का पॉलीमर बना देंगे, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, है ना बेटा। ये कह रहा है कि इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास, कैसे, द स्टेप वाइज ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस इन अनदर मैनर। वो कैसे बेटा, ए और बी को अगर मैं कंडेंस करता हूं पहले स्टेप में
तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। और ये कह रहा है फिर मैं ए बी मोलिक्यूल्स को अगर स्टेप सेकंड में कंडेंस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएगा। और ये कह रहा है ए बी के ऐसे में अगर एन मोलिक्यूल्स लेके आपस में कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए बी एन बन जाएगा बेटा। ये है आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपकी टोटल दो थी, कौन कौन सी, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेटा इनको आप लोगों को अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको इनके पीडीएफ फाइल की फॉर्म में अपने ग्रुप में इनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और साथ में आपको बहुत सारे पॉलीमर्स के नाम, उनके फंक्शन और उनकी मोनोमर यूनिट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा बेटा, जो आपको लर्न करने हैं। और हर साल बोर्ड के पेपर में कम से कम दो आपके जो पॉलीमर्स हैं उनकी मोनोमर यूनिट पूछी जाती हैं। तो बेटा आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी कैसे हैं, इनको हमने आगे जो आगे आपकी चेन की हम लोग ग्रोथ कराते हैं उन मोनोमर यूनिट्स को हम लोग कहाँ से तोड़ेंगे और कहाँ से उनको आगे प्रोसीड कराएंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं बिल्कुल, वो आपको अच्छे से मैकेनिज्म इनके ध्यान में रखने हैं। अब बेटा मैं अगर आईआईटी और नीट की बात करता हूँ तो पिछले 40 सालों में आईआईटी ने इस चैप्टर से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, जो कि बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जिसमें कई बार पॉलीमर्स दे के उनकी मोनोमर पूछ लेता है, या पॉलीमर का नाम दे के टाइप पूछ लेता है, या टाइप दे के नीचे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से पूछेगा कि किस टाइप का पॉलीमर है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, बोर्ड में भी बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे। तो आपको मैं इस चैप्टर के एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सॉरी डीपीपी जो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको एनसीआरटी लेवल, आपके मींस बोर्ड लेवल, और प्रीवियस ईयर आईआईटी के और नीट के 40 ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बेटा समझ आ रहा होगा। हम अगले वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एंड कर दें, नहीं तो मैक्सिमम आपके दो लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।